फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको अपना रोबैस दिखाने वाली हूँ, मेरे साथ आप भी देखिए। काफी दिन हो गए आपको मैंने रोबैस के बारे में काफी कुछ बताया है, पर प्रॉपरली दिखाया नहीं। आज मैं आपको रोबैस प्रॉपरली दिखाने वाली हूँ। चलिए मैं अब आपको रोवैस के बारे में बताती हूँ डिटेल में। ये अबू धाबी से 240 किलोमीटर दूर वेस्ट में स्थित एक सिटी है, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है और एडनोक ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा डेवलप किया गया है। स्टार्टिंग में पहले कभी एक फिशिंग विलेज के रूप में था, बट आज एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में है, जो कि फुल डेजर्ट एरिया को इन्होंने एक लिविंग एरिया में कन्वर्ट किया हुआ है। इसकी स्थापना शेख जायद अल नाहयान, जो कि यूएई के लेट प्रेसिडेंट थे और अबू धाबी के राजा थे, उन्होंने किया था। रोवैस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अपना बैंक है, स्कूल है, शॉप है, मॉस्क है और डिफरेंट टाइप की एंटरटेनमेंट थिंग्स हैं। यहाँ पर बरखा न्यूक्लियर प्लांट भी है और यहाँ का क्लाइमेट जो है लगभग अबू धाबी के ही तरह होता है, और जैसे कि हाईएस्ट टेम्परेचर जुलाई में 50 डिग्री सेल्सियस और समटाइम्स सैंड स्ट्रोक्स भी होते हैं इधर, एंड इसका लोएस्ट टेम्परेचर जनवरी में होता है, जो कि सबसे कूलेस्ट मंथ माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्लेग्राउंड भी हैं, पार्क एरिया है, पूरे सिटी के अराउंड ऑल अराउंड में पार्क एरिया है। और इधर ये है मेंस हेल्थ क्लब, जो कि रोवैस 4 का कनेक्टेड एरिया है, जिसके साथ ही किड्स प्ले एरिया और फुटबॉल एंड टेनिस ग्राउंड भी है। और इसके साथ इसके अंदर जो है बहुत सारे इंडोर प्लेग्राउंड्स हैं, जिमनेजियम है और वॉकिंग ट्रैक है, इंडोर वॉकिंग ट्रैक्स है। और इसके साथ ही आप देखिए इसके कनेक्टिंग वे में किड्स प्ले एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे राइड्स आप जैसे देख सकते हो, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ अपने राइड्स को इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ही इससे कनेक्टेड एरिया है जहाँ पर कि स्टूडेंट हैं और बच्चे हैं जो अपने खेलने के लिए आते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो भी खेल सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर प्लेग्राउंड्स भी अलग से बनाए हुए हैं, जैसे कि फुटबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल के कनेक्टेड प्लेग्राउंड्स हैं। तो ये पूरा एंटरटेनमेंट एरिया है जो मैं आपको ये धीरे धीरे दिखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ एक हेरिटेज विलेज है, हेरिटेज विलेज का वीडियो मैं आपको लिंक बॉक्स में डाल दूंगी। ये है हमारा ऑडिटोरियम, ओपन ऑडिटोरियम एम्फी थिएटर, जहाँ पर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर हम इंजॉय करते हैं। इन दोनों के हेरिटेज विलेज के और भी जो भी प्लेग्राउंड के जो भी हमारे वीडियोज हैं, मैं आपको लिंक में आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी, आप आराम से बैठ के देखिएगा। ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, जिससे कनेक्टेड कई सारे फूड आउटलेट्स हैं, जिसमें बर्गर हट और डिफरेंट टाइप के फूड आउटलेट्स हैं, जहाँ पे अपने फूड एंजॉय भी किया जा सकता है। और आगे देखिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इधर पूरा ये न्यू बिल्डिंग एरिया है, जहाँ पे अभी 3 साल पहले ये पूरा डेवलप हुआ है। यहाँ पे एकदम मॉडर्न हाउस फैसिलिटीज यहाँ सभी हाउस में मिली हुई है, तो यहाँ की बिल्डिंग्स काफ़ी मॉडर्नाइज हैं। और ये पूरा जो न्यू रोवैस एरिया है, इसमें लगभग 12 फ्लोर तक की बिल्डिंग है। यहाँ पर स्कूल के बारे में मैं आपको डिटेल देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शेफर्ड, जो कि सेविस नाम से जाना जाता है और कनाडा बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये काफ़ी सबसे बड़ा स्कूल है रोवैस का। यहाँ पे सभी मल्टीनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, इंडियंस और भी। ये है ग्लेनेक स्कूल ऑफ अबू धाबी, जहाँ पर मोस्टली लोकल स्टूडेंट्स इधर पढ़ते हैं। आगे मैं आपको और आगे स्कूल के बारे में और डिटेल्स देने वाली हूँ। यहाँ पे करीब 6 और 7 कॉलेज एंड स्कूल्स हैं। टेक्निकल कॉलेज भी इधर है एंड प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी कॉलेज है। और ये देखिए, ये दिखाती हूँ मैं यहाँ का गेस्ट हाउस। आगे आप देखिए, तो आगे और भी स्कूल दिखाने वाली हूँ। जो एशियन स्कूल है, जो कि जहाँ पर मोस्टली इंडियन बच्चे स्टडी करते हैं और भी जो और भी कंट्री के बच्चे स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है। इधर ये बस स्टैंड देखिए आप, और आगे आने वाला है अपना एशियन इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर अपने हमारे मेरे बच्चे और भी सभी एशियन इंडियंस बच्चे उधर पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। ये देखिए एशियन इंटरनेशनल स्कूल। Thank you.
ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं ये एक बैंक बिल्डिंग एरिया कहलाता है। इसमें पोस्ट ऑफिस, सारे गवर्नमेंट ऑफिस एंड बैंक्स सारे इसी पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। तो इस टाइप के किसी काम के लिए हमको इधर ही आना पड़ता है। और ये है रोबेस वन एरिया, जो कि रोबेस वन मीन्स ओल्ड रोबेस, जो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग जो हुई थी 1982 में, तो सबसे पहले यही बिल्डिंग्स बन के तैयार हुई थी। कुछ जगह पे अब इन बिल्डिंग्स को न्यू रूप से बनाया जा रहा है, जिसलिए इनको डिमोलिश भी किया जा रहा है कुछ बिल्डिंग को। और इसी एरिया में आप देखिए आगे आता है लेडीज क्लब। लेडीज क्लब में लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए सारी एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए सारी फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है। तो कभी आगे पॉसिबल हुआ तो मैं इसका भी अंदर वीडियो बना के आपको डालूंगी। आगे आप देखिए, इसमें है वेस्ट मार्केट ऑफ रोबेस। यहाँ करीब 5 or 6 मार्केट हैं और एक वन बिग मॉल है। तो ये हमारा रोबेस, ओल्ड रोबेस का वेस्ट मार्केट है, जहाँ की इंडियन रिलेटेड और काफ़ी इस टाइप की चीज़ें जो कि न्यूज़ में नहीं मिलती वो हमें इधर सभी अवेलेबल होती हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये भी ओल्ड रोबेस का बिग मॉस्क है। यहाँ के मॉस्क बहुत ब्यूटीफुल बने हुए हैं, जिनकी ब्यूटी आपको देखते ही बनती है। आप देखिएगा, और ये आगे हमारा एक रोबेस बैचलर हाउसेस, जहाँ जो लोग बैचलर रहते हैं उनके लिए ये अलग से कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। आगे आने वाले हैं दोनों रिक्रिएशन क्लब, जहाँ पर कोई भी कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज होती है वहाँ ये काफी बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं। आगे कभी मैं इसका वीडियो बना के भी आपको डालूंगी और आप देखिए और एंजॉय कीजिए। और आगे आने वाला है यहाँ का न्यू बुल्ड चर्च, जो कि अभी 1 ईयर भी शायद नहीं हुआ है इसको बने हुए। ये भी काफी सुंदर है अंदर से। अभी कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इसका पूरा वीडियो बना के डालूंगी और आप एंजॉय कीजिए। ये है यहाँ का सिविल कोर्ट ऑफ रोबेस, किसी भी टाइप की छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है जिसका सॉल्यूशन इधर ही आके इस कोर्ट में आके जिसको सॉल्व किया जाता है। सिविल कोर्ट भी इधर मौजूद है। और आगे अब आप आगे देखिए रोबेस का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मॉस्क, जो देखने में भी काफी खूबसूरत महसूस हो रहा है। इसके पीछे भी एक अलग से मार्केट है जिसको बैंक बिल्डिंग मार्केट कहा जाता है। और ये आ गया न्यू विला 663 विला एरिया, जो कि इसमें एक छोटा सा मार्केट भी बना हुआ है जिसको अल्डाफ्रा एक्सप्रेस कहा जाता है। यहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे फूड कोर्ट भी हैं इसके इनसाइड में। तो कभी आगे आने वाले वीडियोज में मैं इसका भी अंदर से वीडियो बना के डालूंगी आपके लिए। और ये है यहाँ का वन एंड ओनली हॉस्पिटल, NMC रोबेस हॉस्पिटल, जहाँ पे हर तरह की स्पेशलिटी मौजूद है। हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है कि किसी तरह की कोई समस्या है तो यहीं आके हम कांटेक्ट करते हैं। और ये है यह रोबेस का CNG गैस प्लांट एरिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ न्यू बिल्डिंग्स तो बनी है 2-3 साल पहले, उनमें सारे जो प्रोजेक्ट बने हैं वहाँ सिलेंडर का यूज़ नहीं होता है और किसी टाइप की पाइपलाइन का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर CNG गैस पाइपलाइन का यूज होता है। जनरली ओल्ड बिल्डिंग्स में नॉर्मल गैस का यूज होता है, बट इधर ये CNG गैस का यूज, जहाँ की इन्होंने अपना प्लांट बना रखा है और यहीं से गैस को सप्लाई किया जाता है।
यह है इधर की नर्सरी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं अभी नर्सरी यहाँ पे अल्दाना नर्सरी प्राइवेट नर्सरी है छोटे बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन के लिए और काफ़ी ब्यूटीफुल चारों तरफ ये बनाया हुआ है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, यहाँ पर एक किंग का पैलेस भी है जो आप मेरे राइट साइड ये पूरा बाउंड्री लाइन जो देख रहे हैं ये किंग पैलेस है। यहाँ पे कब जिस समय शेख जायद ने ये रोवेस टाउनशिप बनवाई थी उस समय ये पैलेस उसी समय बनवाया गया था। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रोवेस का फुल वीडियो? मैंने ये काफ़ी शॉर्ट में बनाया है, काफ़ी बड़ा है रोवेस, अगर मैं अब उसको पूरा बनाने बैठ गई तो एक घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनेगा। यहाँ की ब्यूटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर देखने में लगता है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सो ऐसे ही मेरे साथ सहयोग मुझे सहयोग दीजिए और इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून।